नमस्कार, स्वागत है आपका मॉम्स किचन में। तो आज मैं बना रही हूँ सभी का फेवरेट गाजर का हलवा, लेकिन बहुत ही आसान और खास तरीके से। तो आज मैं बना रही हूँ इस हलवे को प्रेशर कुकर में। तो मैंने लिया है एक प्रेशर कुकर और इसमें मैं डाल रही हूँ 7 कप किसी हुई गाजर। मैंने 7 गाजर को अच्छी तरह से धोकर छीलकर किस लिया था। अब इसमें डालेंगे 2 कप मलाई समेत दूध। इस खास तरीके से ये हलवा बहुत ही जल्दी और टेस्टी बनता है। अब दूध को गाजर में मिक्स कर देंगे। अब कुकर का ढक्कन लगाकर इसे बंद कर देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर 4 सीटी आने तक पकने देंगे। 4 सीटी लगने के बाद गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और कुकर का प्रेशर निकलने देंगे। अब कुकर को खोलते हैं और आगे का प्रोसेस करते हैं। तो ये देखिए, गाजर बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हाई फ्लेम पर इस दूध को हम अच्छी तरह से सुखा लेंगे और बीच बीच में हलवे को चलाते रहेंगे। तो ये देखिए, गाजर का मिश्रण अच्छी तरह से ड्राई हो गया है, दूध पूरा सूख गया है। अब हम इससे मिलाएंगे 1 कप चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। हलवे का टेस्ट और बढ़ाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। अब इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हलवे को फिर से ट्राई कर लेंगे। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक खास चीज, जो है घर में बनाया हुआ फ्रेश छेना। घर में छेना बनाने का तरीका मैंने मेरी छेना वाली मिठाई में बताया हुआ है। बस अब इस छेने को हलवे में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हलवे को गाढ़ा होने तक मीडियम फ्लेम पर चलाते रहेंगे। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें ड्राई फ्रूट भी मिक्स कर सकते हैं। वैसे बिना ड्राई फ्रूट के भी ये हलवा बहुत ही टेस्टी लगता है। तो लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से कम मेहनत में बिना मावा बिना घी के गाजर का हलवा बनकर तैयार है। तो जल्दी से इसे बनाइए, गर्मा गर्म खाइए और कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरी ये खास ट्रिक आपको कैसी लगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक खास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।